नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बात कर लेते हैं अब जो भी सिद्धू को लेकर तमाम तरह की खबरें इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब से अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट शेयर किया है जो कि जुड़ा हुआ है, आई हेयरबाय रिजाइन एज द मिनिस्टर फ्रॉम द पंजाब कैबिनेट, यानी कि मंत्री पद छोड़ने को लेकर जो सिद्धू ने ट्वीट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा ही माहौल बदला नजर आ रहा है कांग्रेस में। बड़ी बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि खबर इस तरह की आई थी कि भाई राहुल गांधी से मुलाकात का वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीचों बीच आपको बता दें कि सिद्धू को मनाने का दौर अभी भी चल रहा है। जी हाँ, खबर इस तरह की है कि अमरिंदर जो कि फैसला नहीं ले पा रहे हैं वो असमंजस में पड़ गए हैं, उनके ऊपर तनाव है किसी तरह का, जो कि खबरें आ रही हैं। इसके अलावा अब जो है सिद्धू को मनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिशें कैसे चल रही हैं और क्यों अब तक अमरिंदर जो है सिद्धू पर कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सके हैं, और साथ ही साथ क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो कि मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनका जो अब अगला कदम होने वाला है उस पर भी सभी की निगाहें हैं। तो आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए पूरे तरीके से रूबरू कराते हैं कि आखिरकार मसला है क्या। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर अभी तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाए हैं, और तो और उन्होंने एक शख्स को अब सिद्धू को मनाने की जिम्मेदारी तक सौंप दी है। बता दें आप सभी को कि कैप्टन अमरिंदर ने संदीप संधू को सिद्धू को मनाने के लिए कहा है। जी हां, आप सभी को बता दें कि इस्तीफा देने के बाद सिद्धू दिल्ली रवाना हो गए थे, उनके पीछे संदीप संधू भी गए। संदीप संधू दिल्ली में ही सिद्धू को मनाने की कोशिशों में है, इस तरह की खबर रही थी। इसके अलावा इसे साफ जाहिर होता है कि कैप्टन अमरिंदर जो है सिद्धू के इस्तीफे को लेकर काफी ज्यादा ही असमंजस की स्थिति में है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही थी कि वो चंडीगढ़ जाकर सिद्धू के इस्तीफे को पढ़ेंगे और उसके बाद ही उस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे, कोई निर्णय लेंगे। लेकिन बुधवार देर शाम तक भी मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे और सिद्धू के इस्तीफे पर कोई भी फैसला नहीं ले पाए। गौर की जाए इस बात पर कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से ही परेशानी लगातार ही सामने आ रही है। हालांकि परेशानी बन गई है कि आखिरकार क्या फैसला लें कैप्टन अमरिंदर इस पर। गौर की जाए कि सिद्धू ने ट्वीट करके इस्तीफे की जानकारी दी थी। ट्विटर पर पोस्ट किए गए सिद्धू के इस्तीफे पर 10 जून की तारीख थी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को संबोधित किया गया था। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने एक और ट्वीट भी शेयर किया था, उसमें लिखा है कि वो पंजाब कैबिनेट में मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। दरअसल जो भी 6 जून को हुआ है उससे आप सभी वाकिफ ही होंगे। जी हां, 6 जून को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए सिद्धू से स्थानीय निकाय और पर्यटन विभाग लेकर उन्हें ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय दिया था। इसके 2 दिन बाद सीएम ने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की नियमित समीक्षा के लिए कुछ ग्रुप बनाए, लेकिन किसी भी ग्रुप में नवजोत सिंह सिद्धू नहीं थे। जी हाँ, खबर इस तरह की रही कि जगह नहीं दी गई सिद्धू को किसी भी ग्रुप में। विभाग बदलने से नाराज सिद्धू ने विभाग नहीं संभाला था, अपना कार्यभार नहीं संभाला था, और तो और उन्होंने नई दिल्ली में राहुल और प्रियंका से मुलाकात भी की थी, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र दिया है और हालात के बारे में जानकारी दी। तब खबर आई थी कि राहुल ने अहमद पटेल को कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी दी। पिछले दिनों दिल्ली का कैप्टन ने अहमद से मुलाकात भी की थी, हालांकि उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात ही बताया था। सिद्धू पर लगातार ही ये दबाव बढ़ रहा था कि वो या तो कार्यभार संभालें या फिर इस्तीफा दे दें। जी हाँ, विपक्षी दलों तो हमला बोल रहे थे, सरकार के मंत्रियों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि सिद्धू को अब कार्यभार संभाल लेना चाहिए। सीएम को बिजली विभाग की बैठकें लेनी पड़ी थी। आखिरकार सिद्धू ने राहुल से मुलाकात के बाद लिखा
अपना इस्तीफा सार्वजनिक कर दिया और सबको पता लग गया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। खैर अब देखते हैं कि आखिरकार कैसे सिद्धू को मना पाते हैं कैप्टन अमरिंदर।